भूषण ज्वेलर्स। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में घुमारवी थाना के अंतर्गत कोठी पंचायत की विवाहिता नीलम कुमारी की मौत को लेकर हंगामा हुआ। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि नीलम कुमारी निवासी कोठी पंचायत के गांव राव में करीब 7 साल पहले शादी हुई। शादी के कुछ समय बाद कुछ विवाद भी हुआ था। मृतका नीलम कुमारी के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में भी दी थी। वहीं अब नीलम कुमारी की मौत हो गई है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सुबह के समय मृतक महिला नीलम कुमारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर मायके वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, जिसके चलते बेटी के ससुराल पक्ष के लिए पुलिस कार्रवाई करे। वहीं इस दौरान मायके वालों ने हंगामा भी किया। उधर मृतका के पिता बाबूराम, मृतका के भाई अमित कुमार ने कहा है कि नीलम कुमारी की हत्या की गई है। उधर एसपी दिवाकर शर्मा ने कहा कि विवाहिता की मौत के मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम अमित कुमार है और जो भी मैंने डेड बॉडी देखी है, मेरी बहन है जिसका नाम नीलम है, और इसके बॉडी के ऊपर वो जलने के निशान है और साथ में हथियार के निशान लगे हुए हैं, तो ये पूरी तरह से मर्डर किया हुआ है। शक मेरे को पूरा शक इसके पति पे है, इसकी सास पे है, क्योंकि जैसा पहले इनका बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ही गंदा था। पहले भी इन्होंने ऐसा गलत काम किया था, उस टाइम भी एफआईआर हुई थी, और अभी ये सामने आपके सब कुछ ये मृत्यु हो चुकी है, इस बारे में बताएं कुछ। ये तो सर मुझे शाम को ही पता लगा, कल रात को जी 11:30 बजे के करीब पता लगा। यार करवाई थी अब इसी मांग सर, न्याय चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए, और ये पूरी तरह से मर्डर केस है। बच्चा मार दिया, महाराष्ट्र में होता, प्यार से बात करो, तुम कुछ ढंगी बात कर रहे हो, प्यार से बात करो, क्या प्यार से बात ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।